व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हम भी इसी तरह पूछे 24 घंटा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। Oh, no, 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 no. मैं इनको स्टोन फेंकने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, तो ये कभी मेरा बॉटल उठा के फेंक रहे हैं और जूता उठा के उसमें फेंकने जा रहे हैं। आ जाओ, कभी हमारा भी हाथ पकड़ के चलो, हमको तो तुम भूल ही गई हो, हैं? भूल गई है हमको बच्चों को पाके। देख रहे हैं देखो भैया, मैंने इसको पकड़ा है और उधर बवाल हो गया, उधर गुस्सा हो गया। वाई और गुस्सा, वाई और गुस्सा, माई मामा, माई मामा। देखा, इसको हमने टच किया तो गुस्सा हो गया, या माई मामा है। सबको हेलो बोलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, कलर्स रेड एंड व्हाट इज योर कार कलर? आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं? बिग स्टोन फेंकने। अगेन हम बाहर जा रहे हैं और हमारा एक ही काम है, स्टोन फेंकना, स्टोन फेंकना एंड स्टोन फेंकना। पहले मेरे डायलॉग कंप्लीट करो, तुम नहीं डायलॉग कंप्लीट कियो। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? रेड कार है, इसके पास भी रेड कार है। समर इधर आओ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मम्मा। गुड जॉब, SAMAR, yes baby. Sit down, sit down. Ready? Ready. चले हम कार स्टार्ट करें? Good job. ये हम लोग थोड़ा दूर आ गए हैं और इस सिटी से करीब 40-45 किलोमीटर दूर है। इधर काफ़ी लोकल एरिया लग रही है और काफ़ी बड़ा बड़ा स्पेस है। इधर देख सकते हैं, इधर रेंच है, घोड़े अपना चल रहे हैं, घास नहीं, जंगल नहीं, फॉरेस्ट, जंगल। तभी हम लोग पार्क पे आ गए हैं और यहाँ लगता है एंट्रेंस फी देना है, तो एंट्रेंस फी दे के चलना पड़ेगा। इधर चलो, वाटर में चलना है ना, बीच पे चलना है ना, चलो वाटर में चलो। अभी हम लोग आ गए हैं एक पार्क में, जो पार्क बे के किनारे है। इस पार्क पे हम लोग पहली बार आ रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क लग रहा है। बट जितना मुझे लग रहा था कि बहुत कम लोग आएंगे यहाँ पे, बट काफ़ी लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं सारी कार को, गार्बेज कहना। चलो समर रन, समर स्टार्टल, समर रन स्लोली स्लोली। अच्छा नहीं तो रन करके दिखाओ, रैबिट की तरह फास्ट रन करो, फास्ट रन करो। हाँ 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 हाँ, कमान 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 कमान। और देखो अपना रैबिट कहाँ चला गया, ये देखो रैबिट। ये पार्क रेंजर्स का व्हीकल है और समर समीर को बहुत पसंद है। आओ 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 गाइस, आओ आओ, दिखाता हूँ, आओ दिखाता हूँ। ये 2 कार, 1 कार, इधर 3 कार। जल्दी जल्दी तुम ड्राइव करोगे, जाओ ड्राइव करो, जाओ। बट अंकल का है, दिस इज नॉट अलाउड फॉर अस। मेरे बच्चे एकदम सारी व्हीकल के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत तेज रन करते हैं। बहुत मस्त पार्क है और ये सारी एरिया रेस्टोरेंट वगैरह की है, बट लगता है अभी सब बंद है। और फिशिंग उशिंग करने का भी यहाँ पे अलाउड है। और कितना अच्छा से चारों तरफ ये सीट लगा दिया है कि आप बैठ के अपना समुद्र की तरफ अपना ठंडी ठंडी हवा का और दर्शन का आनंद लीजिए। इधर बच्चों के खेलने के लिए उधर बहुत अच्छा सा पार्क बनाया हुआ है। बहुत सुंदर जगह है। और उधर देखा जाए तो एक बोट के आगे एक घर बनाया हुआ है, अंदर घुसा के, वो बहुत अच्छी जगह लग रही है। पता नहीं वहाँ पे जाना अलाउड है या नहीं अलाउड है। और इधर पूरा लोग फिशिंग कर रहे हैं वहाँ पे। अभी लोग को स्टोन फेंकने का एकदम से बहुत वो हो गया है कि स्टोन फेंकना है, स्टोन फेंकना है। पहले हम लोग जा रहे हैं बैठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे यहीं पे, क्योंकि घर से ज़्यादा ब्रेकफास्ट करने में मज़ा आता है बाहर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और बहुत ही सीनिक प्लेस पे ब्रेकफास्ट होगा। तो पापा आपको घर से बाहर कहाँ पे ज़्यादा खाना खाने में मज़ा आता है, पहले और अभी? कहाँ बाहर कहाँ खाने में? हमको तो गांव में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था खेत में खाने में। जब पापा को या कभी किसी को हल जोत रहे हैं वहाँ पे खाना ले जाओ तो वहाँ खाने का ज़्यादा मज़ा आता था। घर से खा के जाओ तो भी वहाँ पे भूख लग जाती थी। बस इनका काम रहता है पूरे 24 घंटे, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ प्लेट, वाइट कलर प्लेट। And Samar, what is this? Waters. What is this? What is this? What is this? What is this? हम भी इसी तरह पूछे 24 घंटा what is this, what is this, what is this? Oh, water source. Oh no 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 no. मैं इनको स्टोन फेंकने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, तो ये कभी मेरा बॉटल उठा के फेंक रहे हैं और जूता उठा के उसमें फेंकने जा रहे हैं। तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और चलेंगे, थोड़ा हाइक करेंगे, फिर इनका स्टोन फेंकने का काम होगा तन बीच पे, फिशिंग पियर पे, एंड देखते हैं क्या क्या है, एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। जहाँ स्टोन, हाँ पापा सबसे बिग स्टोन फेंकेंगे, डंडा भी फेंकेंगे। चलो 1 2 3। Catch me, catch me, catch me. Catch me, catch me. Catch me, catch me, baby. Wow. Run, 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 run. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wow. What a beautiful place. Wow. यहाँ से ओवरव्यू बनाया हुआ है देखने के लिए, और ये बड़ी मस्त चीज़ है। इसमें आपने 25 सेंट्स का कॉइन डालिए और इससे फिर सी के उस पार तक, बहुत दूर तक दिखेगा। ये जो बे देख रहे हैं, ये बे का अटलांटिक सी से निकली हुई बे है, इसको चेस्पीक बे बोलते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, बता दूँ, इसका नाम चेस्पीक बे है। और बाल्टीमोर जो सिटी है, हम लोग कहीं इस साइड में इधर हैं, यहाँ पे वो मैप में नहीं है, और हम उधर से ट्रेवल करके अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग आए हैं यहाँ पे। और ये जो ब्रिज है बहुत बिग ब्रिज है, इस लाइक 7-8 किलोमीटर का ब्रिज है। और ये बे काफ़ी इधर पेंसिल्वेनिया स्टेट से, फिलाडेल्फिया इधर से आती है, इधर मैरीलैंड है ये पूरा, और इधर बाल्टीमोर सिटी भी गया है, फिर इधर से जाएगी और करीब इधर जाते जाते 200 किलोमीटर बाद जाके तो अटलांटिक सी में लगेगी। और उसके पास में फिर वर्जीनिया बीच है और ओशन सिटी बीच है। और ये बहुत, और ये बे सबसे ज़्यादा फेमस है क्रैब फार्मिंग के लिए। इसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा क्रैब इस बे में फार्म होता है, और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। और ब्लू क्रैब को ये टाइप करेगा ना तो चेस्पीक बे और मैरीलैंड का नाम आता है ब्लू क्रैब के लिए। इस जंगल की स्टोरी मैं बताता हूँ ना, इस जंगल में सो मेनी एनिमल। प्लीज़ 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 रन करो सब लोग, चलो। पापा अभी खा के वहाँ पे चिल कर रहे हैं, सो रहे हैं, बोला है कि अब शाम तक घर चलेंगे ना, खाना पीना खा लिए, क्या जल्दी है। टीच यू दिस इज काइंड ऑफ टीम वर्क, ओके, टीम वर्क। यस समीर, कमान, हाँ कमान समीर, यस टीम वर्क, हाँ दिस इज कॉल्ड टीम वर्क, ओके, सो यू शुड लर्न द टीम वर्क। या इस पर हाथ रख लो, इस पर रख लो, हाँ चलो चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, ट्विंस इज कॉल्ड टीम। चलो आगे चलो, अब समुंदर में ले चलेंगे, इसको फेंकेंगे, और नहीं तो इसी पे फायर जला के, और इसी पे क्या बनाएंगे, चिकन बनाएंगे फायर पे। और चिकन के अलावा तुम लोग और कुछ नहीं खाते हो, बस बोलते ही हो, खाते नहीं हो। चलो बहुत काम करना है, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, लेट्स डू इट। 1 2 3। ये पकड़ लेगी मम्मा, भाग यार। अरे कद्दा, रन फास्ट कद्दा। यस, wow, this is pine cone. Pine cone. Yes. Yes. Hey guys, मैं जा रहा हूँ तुम लोग की मम्मा को थोड़ा सा प्यार करने। No 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 no, मुझे करना है, मुझे प्यार करना है, मुझे करना है। तो सिचुएशन बहुत स्कैरी हो जा रही है भाई। तुम ही डर रही हो, इतना तो कहाँ से होगा। हाँ हाँ, अब समर को हम वाटर में फेंक दूंगे। कमन 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 कमन, ओह जल्दी जल्दी जल्दी। तुम लोग इसी के लिए तरस रहे थे ना, आ जाओ, हाँ यहाँ खड़ा होके फेंको, चलो फेंको, हाँ गुड जॉब, तुम भी फेंको, गुड जॉब, हैप्पी हैप्पी। तो देखो स्टोन को मैं फेंकता हूँ, 1 2 जब तक समर समीर उधर बिजी है तब तक हम लोग इधर थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। ये समीर मैं प्यार कर रहा हूँ मम्मा को। अरे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है समीर को, ये क्या हो गया? दादा दादा मारने आ गया है, ये देखो मारने आ गए हैं माई मामा। ऐसा लग रहा है कि कोई इंडियन जरूर आके यहाँ पे पूजा पाठ किया है, क्योंकि पूजा करने वाली जो चुनरी होती है ना ये है, ये बहुत यूनिक मिल रही है। ये देखिए भैया हम लोग बीच पे खुदाई में एक फिश मिली है बहुत बड़ी, जो बर्फ पड़ के सड़ गई है। उठाओ, हाँ मैं बताता हूँ, मुझे दो, हाँ मुझे दो, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सो जो इस बे में सबसे फेमस ब्लू क्रैब मिलता है वो इसकी टांग टूट के फंसी हुई है, और इसे देख सकते हैं कि इसका ये ब्लू है, कंप्लीट ब्लू है, और ये बहुत स्पेशल क्रैब है जो इसी बे में मिलता है। पूरा बिग फिशिंग पियर है जिससे पे आप खड़े होकर फिशिंग कर सकते हैं, और बहुत लोग फिशिंग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? नो होम? क्यों? कब तक रहोगे यहाँ? होल डे। चलो ए समर लेट्स गो होम। अरे कोई एक बार मुझे हिला के चले जाओ यार। हाँ हैप्पी करने के लिए आए हैं। हाँ हैप्पी कर दो यार मुझे। चलो, 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 चलो। हिलाओ, गुड जॉब। गिर जाओगे, गिर जाएंगे लोग, गिर जाएंगे लोग। बस बस, थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल की प्यास बुझा जा। अरे नहीं समीर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चुप हूँ मैं थैंक यू बेबी, आई लव यू। पापा बोल रहे हैं कि उनके टाइम पे मुझे पलना में नहीं झुला पाए, तो कम से कम अब पलना में झुला दे रहे हैं। गुड जॉब पापा, थैंक यू अरे तो लोरी गाई है पापा, ऐसे मैं नहीं नींद आएगी मुझे। हाँ नहीं अभी बुचिया के पापा हो गया हूँ, तब बुचिया के पापा सुते अपने से गाइए तो नहीं चलेगा। बुचिया के पापा सुते अपने से। ठंडी ठंडी समुद्र से हवा आ रही है, मैं इधर हैमक में सोया हूँ और ये तीनों लोग इधर सोए हैं, और पापा अभी घूमने चले गए हैं, वो कब आएंगे पता नहीं, बट यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है ऐसे चुपचाप पड़े रहे हम लोग। पूरे दोनों बॉयज इतना जेलसी फील कर रहे हैं, इतना जेलसी फील कर रहे हैं। ए मम्मा को मैं किस कर लूँ? माई मम्मा क्या, तो मेरी बीबी है, मैं तो किस करूँगा ना। नो मैं तो जा रहा हूँ करने, ये देख लो, ये देख लो, मैं कर लूँ? अच्छा ये बताओ, मैं तुम लोग से परमिशन ले रहा हूँ, तुम लोग परमिशन बोलो मम्मा को मुझे किस कर ले। हाँ देखो वो बोलेंगे कि हम लोग आए थे यहाँ पे कि 2-3 घंटा रुकेंगे, और यहाँ पे बैठे बैठे घूमते घूमते हम लोगों को करीब 6 घंटा से ऊपर हो गया, किसी के जाने का मन नहीं कर रहा है। पापा का भी धीरे धीरे संभाल के तुम औकात से ज़्यादा उठा ली हो बेबी। चलो वॉक करो, चलो वॉक करो स्लोली स्लोली। अब इन लोग को हम कार में पैक करेंगे, 1 घंटा हम लोग को लगेगा पहुँचने में, और आई थिंक अब ये ब्लॉग आज का यही फिनिश करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्यों गाइस सबको बाय बोल दिया जाए? बाय। अब फिर कब मिलेंगे हम लोग? नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर, बाय बाय बोलो। सी यू लेटर, और ये नमस्ते करने लगे हैं, तो अंग्रेजों को भी देखते हैं तो नमस्ते करते हैं बहुत अच्छा लगता है हमको। नमस्ते करो, नमस्ते। गुड। अरे